मेरे मोदी जी तेरा धन्यवाद, जो नीति कुशल बनाई। अगली लाइन आप सभी को अच्छी लगे तो पूरे पांडाल से तालियां चाहूंगी। हेरे 370 35 ए तन धारा तोड़ बगायो, 370 35 ए तन धारा तोड़ बगाई। हेरे मोदी जी तेरा धन्यवाद, जो नीति कुशल बनाई। 370 35 ए तन धारा तोड़ बगायो, 370 35 से तन धारा तोड़ बगाई। रे देश का रास्ता साफ करया रे, देश का रास्ता साफ करया, गुंडों को सबक सिखाया, जो कश्मीर को हत्यावे थे शीशा उन्हें दिखाया। अमित शाह ने रातों रात में भारी मिशन बनाया। और अगली लाइन पे तालियां होनी चाहिए आप सभी की। हेरे महबूबा और अब्दुल्ला के, महबूबा और अब्दुल्ला के मुंह पे ताला लगाया। महबूबा और अब्दुल्ला के मुंह पे ताला लगाया, आज वोटर का सब कर्ज चुकाया। हेरे रे 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 हेरे, आज वोटर का सब कर्ज चुकाया, मारी होगी सफल कमाई। 370 35 से तन धारा तोड़ बगायो, 370 35 से तन धारा तोड़ बगाई। मोनू गर्ग जी, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बताए प्रेमी श्रोताओं, कुछ महीने पहले की घटना, 14 फरवरी के दिन पुलवामा के अंदर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला करके हमारे 44 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए। जब इस बात का पता हिंदुस्तानियों को चला तो हर हिंदुस्तानी का खून खोला हुआ था और ये कह दिया कि बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, कि बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से ये जिक्र हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पे पत्थर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो, जो सेना पे पत्थर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो। जब इतनी बात हिंदुस्तानियों की मोदी जी ने सुनी तो 12 दिनों के बाद सेना को आदेश थमाए कि सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा अब उनकी खैर नहीं होगी, अब उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात, 12 दिनों के बाद हमारी फौज ने, हमारी सेना ने घर में घुस के ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ये कह दिया कि घर में घुस के मारा है
कबर तुम्हारी खोदी है कि घर में घुस के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, ना तो खाएगा और ना खाने देगा। अटकने की भी कोशिश मत करना पाकिस्तान, नहीं तो तेरा नाम और निशान नक्शे से गायब कर देगा मोदी। किस तरह से क्या लिखा दूसरी लाइनों में? और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य चीफ गेस्ट मेरे परम आदरणीय श्री योगेश्वर राज नागर, कांग्रेस जिला महासचिव गौतम बुद्ध नगर यादवपुर वाले, 2100 रुपए से, 2100 रुपए से हमारी छोटी सी टीम दीपा चौधरी एंड पार्टी को 2100 रुपए से मान सम्मान प्यार आशीर्वाद देते हैं। बाबूजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये 101 रुपया आदरणीय प्रिंस भारद्वाज मंडल उपाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा जेवर, और ये 200 रुपया और भाई ने दिए, मेरा नाम मोनू गर्ग जी, 200 रुपया मोनू गर्ग जी मैडम की शिरागनी पर मान सम्मान देते हैं। जिन जिन श्रोताओं ने हमारी टीम का और हमारी इस मैडम दीपा चौधरी का हौसला बढ़ाया है, पुरस्कार दिया है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी सभी का एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिए, जोरदार तालियों से। और आगे सुनिए रागनी, मारे कितने वीर शहीद हुए, मारे कितने वीर शहीद हुए, बेगुनाह दई कुर्बानी, ये पत्थरबाजी करया करे थे, ये पत्थरबाजी करया करे थे, नीच निकम्मे मनमानी, अब मालूम पड़ेगा इनके अंदर कितना है पानी। मोदी जी तने देसी और सैनिक पे करी मेहरबानी, मोदी जी तने देसी और सैनिक पे करी मेहरबानी, हेरे भारत माँ की मिट्टी गिलानी, हेरे रे रे रे, हेरे भारत माँ की शेर मोदी भारत का, बब्बर शेर मोदी भारत का, गर्व करे नर नारी, दुश्मन पे सदा धाक जमाई, बात करी नहारी, एक नकवा में देश पिर होया, काटी सब बीमारी, जिस पे रोज, अगली लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी, हेरे जिस पे रोज लठ बजे था, जिस पे रोज लठ बजे था, होगी कश्मीर हमारी, हेरे मोदी जी तेरी चोट से भारी, हेरे
जी तेरी चोट से भारी सदा अकल की करे लड़ाई। एक निशाना अब एक निशाना बाकी रह गया, एक निशाना बाकी रह गया, उस पे ध्यान लगाओ। कौन सा निशाना? वीटो पावर आनी चाहिए, ऐसा यत्न बनाओ। अगली लाइन से अगर सहमत हो, लगे कि मैं सही कह रही हूँ, कवि ने सही लिखा हो, तो सभी की तालियां चाहूंगी फिर से। जब तक जीवन मोदी जी का, जब तक जीवन मोदी जी का, मत पद से उन्हें हटाओ। कह देविंदर अलीपुरिया देश को शिखर चढ़ाओ। दीपा धर्म की गाथा गाओ, रे दीपा धर्म की